फिलहाल हमको भी 100 रुपये मिल चुके हैं दोनों ब्लॉगर। हेलो गाइस, तो गाइस बहुत सारे लोग सौरव जोशी से मिलने के लिए उनके घर के बाहर जाते हैं, उनकी गाड़ी के पीछे उनका पीछा करते हैं, और जब सौरव जोशी उनसे नहीं मिल पाते तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि सौरव जोशी के अंदर एटीट्यूड है, या फिर व्लॉग वीडियो बना करके ये कहते हैं कि सौरव जोशी को घमंड आ गया है, उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है। अब गाइस हाल ही में सौरव जोशी अपने गाँव अपने दादा दादी के पास गए थे, तो वहां पर उनसे दो व्लॉगर मिले, तो वो उनसे मिले और उनके साथ में व्लॉग वीडियो भी शूट किए। तो वहां पर सौरव जोशी से मिलने के बाद उन लोगों ने सौरव जोशी के बारे में क्या कहा, चलिए मैं आप लोग को व्लॉग का छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ। तो फिलहाल मिल चुके हैं सौरभ भैया से, काफी अच्छा लगा उनसे मिलके, उन्होंने काफी कुछ बताया हम लोगों को, उतना हम कैप्चर कर नहीं पाए, तो जैसा भी था मतलब सौरभ भैया काफी अच्छे हैं। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड है उनपे, एटीट्यूड हमको ऐसा लगा ही नहीं, बहुत सही है मतलब। सो गाइस पूरा व्लॉग वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा करके देख सकते हो। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, क्या सौरव जोशी के अंदर एटीट्यूड है या नहीं, आप लोग आपके राय में कमेंट्स में जरूर बताएं।